पे यूथ का गिला भी है कि हम पढ़ लेते हैं, अपना मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब आप पढ़ें तो वो एक्चुअल में वाकई पढ़ें। सबसे पहले तो अपना सेल्फ ऑडिट करने की ज़रूरत है। आपको जॉब सर्च की डिफरेंट स्किल्स, एक इट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्किल। आप कासिम अली शाह साहब को भी देखें तो उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती हैं कि आपने किस तरह से जॉब सर्च करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी टैगलाइन है, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा ऐसी स्टोरीज़ लेके आते हैं जिनके एक्सपीरियंस से और जिनके प्रोफेशनल विजडम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तकरीबन 15 साल से एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ तालीमी इदारों के साथ काम करने का। इन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी काम किया है और एज अ टीचर भी काम किया है। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के शोबे में भी काम कर रहे हैं। हम आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत उस्ताद ये क्या समझते हैं कि किन किन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कुछ अमेंडमेंट्स जो अगर की जाएं हमारे एजुकेशन सिस्टम में या बाकी सारी चीज़ों में, जो एक कह लें कि प्रोफेशनल आपकी लाइफ होती है उसको किस तरह लेके चलना है, और उसका आगाज़ जब होता है तब इंसान की क्या सोच होती है, और फिर ग्रोथ माइंडसेट वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद काशिफ याकूब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह बेशुमार तालीमी इदारों के साथ एक सफ़र रहा, एक्सपीरियंस रहा, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस रोल में आता है, एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, या जो बाकी आप इसके अलावा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा आप खुश किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसमें होती है कि जब मैं जो कुछ सीखता हूँ और वो जब आगे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, यानी जो जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, जो जो एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, उसको जब मैं आगे लोगों को बताता हूँ ताकि वो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो उनको एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि उनको मेरे एक्सपीरियंस से पता चल जाए, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मैं इन्जॉय करता हूँ, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, या चाहे वो किसी भी डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में हो। सही। अच्छा सर, आपने जो टीचिंग का आगाज़ पहले किया या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पहले स्टार्ट की? जी, एक्चुअली मेरी जॉब ही पहले स्टार्ट हुई थी। एक सरकारी यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब शुरू की, और फिर जब एमएस किया तो उसके बाद टीचिंग की तरफ रुझान बढ़ा, फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, और वहाँ से फिर टीचिंग और बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जो जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस में देखते थे वो जब टीचिंग में हम उसको रिलेट करते थे तो वो दैट मेक्स एक्चुअली अ डिफरेंस, तो जिससे मुझे भी वो टीचिंग की इंजॉयमेंट भी ऐड हुई, और वो एक्सपोजर की वजह से स्टूडेंट्स को और जो भी उसको सुन रहे थे, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको भी फ़ायदा हुआ और मुझे भी ज़्यादा इंजॉयमेंट उसमें हुई। अच्छा सर, आपने ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इस टॉपिक पे बहुत सारा काम किया, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, मुझे ये बताइएगा कि इसका इंतखाब आपने क्यों किया, और जैसा आपने बताया कि आपका एक एक्सपीरियंस था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको क्या लगा वहाँ पे काम करके, क्या उसकी अच्छी चीज़ें थी, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको तब्दील होना चाहिए? हाँ, वैसे तो मेरी जो ग्रेजुएशन थी और मास्टर्स था वो दोनों ही बिज़नेस स्टडीज़ में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि डिफरेंट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फ़ेस करने के बाद वो जो अगर वो सोल्यूशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जो भी होता है, या उसके रिस्पॉन्स में उनका क्या एक्शन होता है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। वो सब जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो क्या जो नए आने वाले लोग हैं वो दोबारा से वही एक्सपीरियंस करें, और वो उसी को दोबारा वो सारे के सारी चीज़ों में विक्टिम भी बने, या अगर फेवरेट हैं या कोई भी बेनिफिट है वो भी हो, वट एवर द केस में भी, दोनों केसेस में मुझ में ये एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये चीज़ लोगों को पता भी चलनी चाहिए,
ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। तो इस तरह से मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता गया और मैंने स्टडी शुरू कर दी, मैंने हार्वर्ड के आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने केलॉग इनसाइट के आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने वॉटन के आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, MIT के पढ़ने शुरू कर दिए। तो वो कुछ ऐसी जॉब की भी नेचर थी कि मुझे बेनिफिट हुआ कि इन तमाम चीज़ों पर मेरी एक्सेस भी थी, तो मेरे लिए वो आसान हो गया। और इस तरह से मैंने फिर उस पर सोचा कि ये आगे कम्युनिकेट भी होना चाहिए कि वट एवर योर एक्सपीरियंस इज दैट शुड बी शेयर्ड विद अदर्स एज वेल। सही। अच्छा सर, हमारे यहाँ जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें जाहिर है कि दो कंपोनेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो आपने आपका जो अपना एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का या यूनिवर्सिटीज़ का भी, वो ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल इट वॉज़ गुड। देखें, होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी बॉसेस होते हैं या आपसे सीनियर्स होते हैं, ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल आर विद डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, उसके साथ ही वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं और उस पर रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं। तो मेरे लिए खुशकिस्मती ये रही कि मुझे हर जगह पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेंटोर किया और जिसकी वजह से मैं भी बेहतर होता चला गया और ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कंट्रीब्यूशन भी होती चली गई। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंटोरशिप, जो पाकिस्तान में हमें उस तरह से कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं आता, और शायद अगर कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में है तो पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। तो वो अगर आपको मेंटोरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं भी प्रोवाइड की जा रही, तो एक इंडिविजुअल की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी फाइंड आउट करे और देखे कि हु इज़ एक्चुअली अ पर्सन होम ही वांट्स टू इंस्पायर विद। तो उसके साथ वो खुद ही अपनी मेंटोरिंग शुरू कर सकता है, खुद ही उसके साथ एज अ मेंटी अटैच हो सकता है और अपनी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके अपने लिए बहुत ज़रूरी है, यानी आपका अगर अपना माइंडसेट पर्सनल ग्रोथ का नहीं होगा तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा आपको मेंटोर प्रोवाइड कर दे। सही। अच्छा सर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपका एक्सपीरियंस रहा और आप माशाल्लाह लीड पोजीशंस पर रहे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, और ये बहुत सारे लोगों का, ख़ासतौर पर यूथ का गिला भी है कि हम पढ़ लेते हैं, अपना मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद भी जो है ना वो हमें कोई मुनासिब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें मेरा एक ख्याल तो ये है जी कि जब आप पढ़ें तो वो एक्चुअल में वाकई पढ़ें। सही। क्योंकि इफ़ समवन हु इज़ MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और वो कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो इट मीन्स ही इज़ अनेबल टू सेल हिमसेल्फ। ही इज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा दूसरों की प्रोडक्ट क्या सेल करेगा अगर वो अपने आप को ही सेल नहीं कर सकता। सही। तो उसको सबसे पहले तो अपना सेल्फ ऑडिट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि वो उसने क्या सीखा है, उसको वो आगे किस तरह से शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये ज़रूरी है कि आपको जॉब सर्च की डिफरेंट स्किल्स, एक इट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्किल जो डिग्री के अलावा होती है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस पर बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कासिम अली शाह साहब को भी देखें तो उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती हैं कि आपने किस तरह से जॉब सर्च करनी है, किस तरह से आपके डिफरेंट प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो उनको एक तो वो गाइडेंस वो है जो आप खुद ले सकते हैं, जो आप खुद ढूंढ सकते हैं। दूसरा ये कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट मैनेजर्स भी होते हैं। सही। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कि वो जाए, उनसे डिस्कस करे कि जॉब सर्च एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं, किस तरह से वो अपनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके साथ उनका स्किल सेट मैच करता है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को पहले से वो ना सिर्फ शॉर्टलिस्ट करके रखें स्टूडेंट्स, देखें कि उनमें जो लोग हैं वो किस तरह से जॉब सर्च, उनमें जो लोग हैं वो किन स्किल्स के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी जा सकती हैं, उनकी क्या क्या ग्रोथ थी, उन्होंने क्या क्या कोर्सेज किए, मे बी कोई सर्टिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत हो उस आपकी लीड ऑर्गेनाइजेशन में जाने को जिसमें आप इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप उन कैरियर प्लेसमेंट मैनेजर से भी गाइडेंस ले सकते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैंने ग्रेजुएशन की तो हमारे एक प्लेसमेंट मैनेजर थे, मैं उनके पास गया कि मुझे गाइडेंस चाहिए सर कि हाउ कैन आई सर्च अ जॉब, क्योंकि मैं फ़ौरन नेक्स्ट डिग्री में नहीं जाना चाहता था और हमारी डिग्री भी कुछ इस तरह की थी कि जिसमें जिसका टाइटल ही यही था अप्लाइड मैनेजमेंट, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई वट एवर आई हैव लर्न। तो उन्होंने मुझे मेरी क्यूरियोसिटी को देखते हुए ही एक्चुअली हैड अ सेशन विद मी, और उसके बाद उनने मुझे जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे, ही एक्चुअली शेयर्ड अ लिस्ट विद मी। सो आई एंड माय वन ऑफ माय फ्रेंड स्टार्टेड कॉलिंग ईच एंड अदर ईच वन सॉरी एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल दोज पर्सन्स वन बाय वन कि जिन जिन एरियाज में वो हैं उनसे बात की, उनसे इंटरेक्शन की और उनसे कहा कि सर हमें गाइडेंस चाहिए, हम यूनिवर्सिटी से अभी अभी ग्रेजुएट किए हैं, कैरियर गाइडेंस चाहिए। फिर उन्होंने ना सिर्फ मीटिंग्स हुई बल्कि उसके बाद वहाँ से कई सारी ऑप्शंस निकलना शुरू हुई जो कई सालों तक आती रहीं, और एक आपकी नेटवर्किंग भी डेवलप हुई। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को खुद ये पहले अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना ज़रूरी है कि हाउ टू डू दैट। सर, फ्यूचर गोल्स को लेके आपने क्या सोचा है, कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक आपने देखा हो, अपने माइंड में सोचा हो लेकिन वो पूरा ना हुआ, वो क्या है? अच्छा, एक तो जो अभी मेरा वक्त के साथ साथ उस क्यूरियोसिटी की वजह से एक विजन डेवलप हुआ है, वो है कि जो मैं ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट कल्चर्स देखता हूँ, जो एनवायरनमेंट देखता हूँ, जिस तरह से वो चीज़ें इंट्रैक्शन हो रही हैं, जिस तरह से बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, जिस तरह से लोग किसी टॉक्सिक इवेंट में फंसते हैं, उससे निकलते हैं, हाउ टू हील अप विद दैट, तो एक तो मैंने इसी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे फोकस करके मैं उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। इसी के रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे जो सीखता हूँ वो भी मैं आगे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि अभी मैंने पिछले पूरे साल एक बुक फॉलो की, रॉबर्ट ग्रीन की, जो बड़े मशहूर ऑथर हैं, डेली लॉस। उस बुक में मैंने डेली बेसिस पे एक एक दिन एक एक पेज पढ़ के बहुत कुछ सीखा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट information with all others as well. तो मेरा प्लान है कि मैं 1 जनवरी से ऑनवर्ड उस बुक को फॉलो करते हुए उस पर डिफरेंट 2-3 मिनट की डिस्कशन डेली बेसिस पे लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो फ़ायदा मुझे हुआ है, जो उसकी वजह से मुझ में चेंजेस आई हैं, वो बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो उसका। सर, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे हुए और फैमिली सपोर्ट कितनी रही थ्रू आउट आपकी जो एक सक्सेसफुल जर्नी है उसमें? सबसे पहले तो मैं फैमिली सपोर्ट की ही बात करूँगा कि माई फादर वॉज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो उनकी तरफ से मुझे हमेशा से ये रहा कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, राइट। मैंने स्टडीज़ जीसी से की, जीसी में इनिशियली मैं बीएस केमिस्ट्री में आया था, बट देन आई रियलाइज आई शुड गो इनटू मैनेजमेंट साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज में शिफ्ट हुआ। उनकी तरफ से इतनी सपोर्ट रही कि जो तुमने करना है इट्स अप टू यू, बी ओपन टू इट। वो डिस्कशन भी करते थे, वो इन्वॉल्व भी होते थे मेरे साथ, और फिर इस तरह से सबसे पहले तो मेरे लिए इंस्पायरिंग ही वॉज़ माई फादर। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिलते रहे जिनमें ऑफिस बॉसेस भी थे, मेरे इनिशियल जो रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी में, सबूर खान, एंड उससे पहले बल्कि मैं कहूँ कि जो मेरी पहली जॉब थी दैट वाज एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो उसमें जो मेरे पहले बॉस थे वो मेरे डिग्री में जो मेरा डिपार्टमेंट था उसके हेड भी थे, तो ही एक्चुअली गेव मी अ डायरेक्शन, और वो जो एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप की वो उन्होंने मुझे की। तो मिस्टर नजफ यावर ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उसके बाद 2010 में मैं कासिम अली शाह साहब से मिला विद वन ऑफ माय फ्रेंड, और फिर मैंने इनकी वीडियो सुनना शुरू की, तो दैट वाज ग्रेट इंस्पिरेशन, जिसके बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन आई शुड शेयर माय नॉलेज एज वेल विद अदर पीपल। तो वो बल्कि एक वक्त तो ये था कि डेली बेसिस पे कासिम अली शाह साहब की वीडियो सुनी जाती थी, और बल्कि इनका जो मैं आपको बताऊं कि जो इनका इनिशियल फर्स्ट फैन ग्रुप था आई वाज पार्ट ऑफ दैट एज वेल, तो ही इज़ आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। तो ये इस तरह डिफरेंट वो स्टेप्स थे जिसमें डिफरेंट लोग ज़िंदगी में आए, इंस्पायर करते चले गए, और एक लाइफ की डायरेक्शन सेट होती चली गई, एंड इट शेप्स अप लाइक दिस व्हाटएवर आई एम नाउ।
सर आखिर में आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे जो आपकी तरफ से हो कि वो अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को किस तरह देखें और किस तरह एक एम्बिशियस लाइफ गुजारें? मेरे ख्याल में कि जो भी वो पढ़ें, जो भी वो सीखें, उसको उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, उसको एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करें। और आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो इस्लामिक बुक्स हैं, चाहे वो कोई मोटिवेशनल बुक्स हैं, चाहे वो आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा होता, आपको पता ही नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। सही। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि यू शुड एक्सप्लोर थिंग्स, आप डिफरेंट चीज़ें देखें, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें, उसके बाद ही आप कोई अपना पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करते तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसलिए आप करें, फेल हो, फेल होने से सीखें एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो यूथ के लिए मेरे ख्याल में मेरा क्लियर मैसेज यही है कि दे शुड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दे शुड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर देम सेल्व एक्चुअली कि वो क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, अपना पर्पस फाइंड आउट करें, अपना मकसद फाइंड आउट करें, और उसके लिए ज़रूरी एक्सप्लोर करना है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ याकूब साहब, आपने हमारे लिए वक्त थैंक यू निकाला। थैंक यू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे जो इनकी एक मेन स्ट्रेंथ है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक, जिससे रिलेटेड वीडियोस का लिंक भी हम अपने इंटरव्यू में शेयर कर देंगे, जिसको आप देख सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।